पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा के समर्थक परिवार आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा समर्थित 125 परिवार नाराज इसलिए भी है क्योंकि योगी की पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बल्कि योगी की पुलिस ही भाजपा के समर्थित वोटरों के साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है और दोषियों को खुलेआम घूमने की आजादी दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा सेना की कार्रवाई से नाराज होकर ही आज इन सभी परिवारों ने इकट्ठा होकर उत्पीड़न के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है और योगी जी से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये सभी परिवार मझोला पुलिस की कार्यवाही से नाराज हैं और कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर आज इसका विरोध कर रहे हैं। कॉलोनी के अंदर चल रही न्यू ईयर की पार्टी में बिना इजाजत शामिल होना और फिर उनके साथ बदसलूकी करना, मारपीट के बाद गाली गलौज करना, ये सब उपद्रवियों ने किया। कॉलोनी के लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई को अंजाम दे दिया। यहां के लोगों ने मझोला पुलिस के कार्यशैली से नाराज होकर साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये समाजवादी सोच के लोग हैं, लेकिन पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई करने से नाराज कॉलोनी के 125 परिवार भाजपा सरकार की पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। जो जिन लोगों ने मारपीट की वो लोग यहाँ पर डीजे बंद कराने आए थे रात को 2:30 बजे। जब 2:30 बजे डीजे तेज आवाज में डीजे बंद हो रहा था, सोसाइटी के लोगों को परेशानी हो रही थी, तो उसके विरोध में वो डीजे बंद कराने आए थे, ऐसा उन लोगों ने अखबार में छपवाया है या पुलिस को ऐसा बयान दिया है। लेकिन ये घटना 2:30 बजे की है ही नहीं, पहले तो ये टाइम गलत है। ये घटना 11:30 बजे की है और इनके हाथ में दारू के गिलास थे और ये खुद वहाँ दारू के गिलास लेकर डांस कर रहे थे, जबकि वहाँ पर इन्वाइट भी नहीं थे और ना ही पार्टिसिपेट किया था इन लोगों ने। जब हम लोगों ने इनसे पूछा, हमारी महिला डांस करती, महिलाओं के बीच में डांस करते दिख रहे हैं, हमारी महिलाओं को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, उन्होंने बोला कि ये बंदे को नहीं, हम तो जानते हैं इनको, सब हम परिवारिक लोग हैं, एक दूसरे को सब जानते हैं। तो हमने उनसे बात की कि भाई आप कहाँ से आए हो, आप तो इस पार्टी में नहीं हो। उन्होंने बोला हम यहीं रहते हैं। हमने बोला कहाँ रहते हैं, फिर उन्होंने बोला कि हम डीजे वाले हैं। हमने बोला डीजे वाला तो हमने खुद बुक किया है, डीजे वाले को तुम जानते हो, डीजे वाला है। हमने कहा बाहर जाइए, ये पारिवारिक फंक्शन है, सब लोग परिवार के लोग हैं, आप यहाँ पर बदतमीजी मत कीजिए। इसके विरोध में उन्होंने पकड़ के खींच के और लोगों पे मारपीटियाँ शुरू कर दी कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमें बाहर निकाल ले फंक्शन से। उन्होंने फ़ोन करके किसी को फ़ोन किया, हमें नहीं पता किसको फ़ोन किया। कुछ ही देर बाद 10-15-20 मिनट बाद गाड़ी भर के आई और उन लोगों ने यहाँ पर आकर डंडे से लैस थे, वो पुलिस के साथ ही दो जीप, एक पुलिस की जीप आई और बिल्कुल साथ साथ, आप सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे तो पुलिस की जीप के साथ साथ ही वो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी, उसमें कोई नेताजी थे, मैं उनको नहीं पहचानता। उन्होंने जल्दी हुई लकड़ी उठाई, इस बच्चे को मारा, यहाँ गर्दन पे इसके निशान है, इधर देखिए इसकी गर्दन पे यहाँ निशान है, सर के ऊपर जल्दी लकड़ी से मारा। पुलिस सामने मूक दर्शक बनी हुई थी, पुलिस के सामने इसको पीट रहे थे 4-4, 5-5 लोग और करीब 1 मिनट 38 सेकंड तक इसको मारा उन लोगों ने और पुलिस वहीं खड़ी हुई थी। अभिषेक चौबी जी को नीचे बुलाया गया, उन्होंने बीच बचाव किया इसको कि भाई बच्चे को मत मारे, छोटा नाबालिग बच्चा है, उसको पीट करके वो गाड़ी में ले जा रहे थे पुलिस वाले। बाद में पहले लड़कों ने मारा, फिर उठाकर पुलिस उसको बाहर ले जाने लगी गेट के बाहर। जब इन्होंने विरोध किया अभिषेक जी ने, तो पुलिस ने इनके साथ, पुलिस के सामने ही वहाँ जो नेताजी के साथ एक बंदा आया था, बाउंसर था लंबा चौड़ा, उसने इनको नाक पर पंच किया, वो सीसीटीवी फुटेज भी देखेगा, पुलिस के सामने मारा उसने और मार करके वो पीछे हट गया और पुलिस ने पकड़ के इनको गाड़ी में ले जाने लगी। इन्होंने विरोध किया कि भाई मैंने तो पुलिस को बुलाया है, मुझे क्यों आप मेरे साथ अब दुर्व्यवहार कर रहे हो। इन्होंने अपना परिचय भी दिया कि मैं महानगर अध्यक्ष हूँ यहाँ का, युवा मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और इन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ना ही किसी पूरी घटनाक्रम में, किसी लड़ाई में इनका, अभिषेक जी का कोई हाथ था, ना ही किसी मारपीट, ना ही मारपिटाई में थे किसी में। अगर जो प्रतिरोध भी हुआ है ना, जो गतिरोध किया हमारे, हमने जो काउंटर किया है उसमें भी ये नहीं थे, ये बाद में आए हैं, ये काउंटर में थे भी नहीं, ये बीच बचाव में आए बाद में जब पुलिस आ गई है। हम भी मुकदमा लिखा रहे हैं, हम कल ASP साहब आए थे यहाँ पर, हमने उनको अपना प्रार्थना पत्र दिया कि हमने एक पारिवारिक पार्टी की थी, उसमें कुछ उपद्रवियों ने, बाद में हमें पता चला कि 3-4 दिन से ही लोग थे, क्योंकि अगर सोसाइटी के लोग एक दूसरे को सब जानते हैं, हमें बाद में पता चला कि 2-3 दिन से ही कुछ लोग आए हुए थे और ये यहाँ पे रेंटेड भी नहीं है, ये बाहर के उपद्रवी थे, ये कुछ पार्टी करने के लिए यहाँ आए थे, दारू पी रहे थे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनको डीजे के बाद आई तो ये पार्टी करने के लिए वहाँ चले गए लड़कियों के बीच में। ASP साहब को दिए तहरीर हमने कल सामूहिक पूरी सोसाइटी की तरफ से, मैंने दिए कल दिन में, यहाँ ASP साहब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जाँच करूँगा, जाँच के आधार पर कार्रवाई करूँगा, लेकिन अभी तक मुझे कार्रवाई जो है ना एक तरफा दिखाई दे रही है, अभी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो
पीड़ित है उसी का उत्पीड़न हुआ है, वही मारा गया है, पुलिस के संरक्षण में मारा गया है, पुलिस सामने खड़ी मुग्धर शक्ति पुलिस के सामने मारा गया। छोटे से बच्चे नाबालिग को मार रहे थे वो लोग जल्दी लकड़ी से, और सर पे उसके हमला हुआ है। पहली तो ये कि योगी जी का शासन है और वो इसीलिए जाने जाते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है और हर आदमी सुरक्षित है, सड़क पर आधी रात सुरक्षित है। हम तो अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। अगर हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है तो जिस पार्टी के पदाधिकारी उनके महानगर अध्यक्ष को इतनी बर्बरता से मारा जा रहा है पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के सामने गुंडे मार रहे हैं, तो आम जनता कैसे अपने सुरक्षा का के बारे में सोच सकती है। जो पूरा मार पिटाई का सीन कहाँ से शुरू हुआ वो होना चाहिए ना, मार पिटाई की नौबत ही क्यों आई। जब किसी की फैमिली में घुस करके आप किसी महिलाओं के साथ दारू लेकर के बदतमीजी करोगे तो कोई आदमी क्या बर्दाश्त करेगा उस बात को? कोई सभ्य समाज बर्दाश्त करेगा? हमने वैसे ही रिएक्ट किया है जैसा हर आदमी करेगा, हमने कोई गलत नहीं किया है और हम किसी के घर लड़ने नहीं गए किसी के पास। वो आदमी घुस करके हमारी पार्टी में आकर के उन्होंने बदतमीजी शुरू की थी कि जो गुंडे थे उन्होंने ये इस तरीके की एक अफवाह फैलाई है या तहरीर दी है कि डीजे के शोर से परेशान होकर वो आए थे, उन्होंने पार्टी रोकने के लिए कहा तो उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन हमारे पास वीडियो साक्ष्य हैं, वो पार्टी में ज़बरदस्ती घुसे, दारू के गिलास लेके घुसे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, उसका जब विरोध यहाँ के सोसाइटी मेंबरों ने करा तो मारपीट हुई। और जब मारपीट हुई उस टाइम पे मैं घर पे अपने सो रहा था, मुझे यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने बुलाया पुलिस सहायता के लिए और मैंने ही ऐसा मझोला को फ़ोन किया था। लेकिन पुलिस आई, पुलिस ने उन गुंडों के साथ मिलकर यहाँ के नागरिकों की पिटाई करी। वो आप CCTV फुटेज में देख लेंगे, जब पुलिस आई है तो उनके साथ उनकी एक गाड़ी भी आई है, उसमें से एक व्यक्ति उतरा है जिसने जलती हुई लकड़ी उठाई है और ये 15 साल का बच्चा है लक्ष्य मदान। इसके आप शरीर पे जले हुए मार्क्स के निशान भी देख सकते हैं। इसको 15 साल के बच्चे को पुलिस के सामने मारा गया और पुलिस ने उस हमलावर को पकड़ने की जगह इस बच्चे को पकड़ के नाबालिग लड़का जो है 15 साल का उसे उठा के गाड़ी में डालने का काम किया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उन हमलावरों ने मेरे पे हमला किया और पुलिस ने उनको पकड़ने की जगह निखिल यादव को उसके साथियों को तो भगा दिया और मुझे जो है बर्बरता से पकड़ के गाड़ी में डाला जबरदस्ती और मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया। जब उसकी वीडियो मेरे महामंत्री ने बनाई तो उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ जिसमें उसके हाथ की हड्डी टूटी है। और इन सब चीज़ों की हमने लिखित रूप से IG साहब शलभ माथुर जी को, ऐसो मझोला को, सबको शिकायत करी थी जिसमें कोई भी संज्ञान लिया नहीं गया तहरीरों में। और झूठे मुकदमे हम पे कि हमने पुलिस के साथ बदतमीजी करी, पुलिस के सरकारी काम में बाधा डाली, इस तरीके के मुकदमे झूठे हम पे लगाए गए। और यह जो बालिंदर यादव हैं इनका रिकॉर्ड पहले से ही ख़राब है और इनके अंदर एक मानसिकता है किसी भी तरीके से ये सरकार के विरोध में माहौल बनाना चाहते हैं। इस तरीके की कार्रवाई, एक मैं पदाधिकारी हूँ, जिम्मेदार सम्मानजनक पदाधिकारी हूँ, मेरे ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस ने करी है ये सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, संगठन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए की गई। पब्लिक TV आपकी आवाज़।